बैक टू माय चैनल अगेन स्टूडेंट बायोलॉजी ड्रीमर्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप जो इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी और जो कम्पिटिटिव एग्जामिनर हैं उनके लिए भी। जो कम्पिटिटिव का एग्जाम दे रहे हैं वहाँ से एडवर्ब से रूल अगर कोई उठाएगा तो यही रूल उठाएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है, गौर से देखिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाएगा तो इंपॉर्टेंट डालेगा, बस सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट है, देखिए। आगे आते हैं बाबू, बात कर रहा है वेरी और मच में डिफरेंसेस। अगर एडवर्ब, ये दोनों एडवर्ब के तरीके से काम में आएगा, क्योंकि मैंने एडजेक्टिव में भी आपको पढ़ाया था और एडवर्ब में मैं पढ़ा रहा हूँ ये वेरी और मच। तो वेरी का भी मतलब होता है बहुत, ठीक है ना, और मच का भी मतलब होता है बहुत, लेकिन इन दोनों का जो सेंस होता है, जो यूज होता है, इन दोनों का यूज बहुत डिफरेंट तरीके से होगा। कैसे होगा, तो सबसे पहले टॉपिक में मैंने वेरी को लिया है और वेरी का हिंदी होता है बहुत। देखिए मैंने लिख दिया ऑलरेडी, इसका यूज पॉजिटिव डिग्री, यानी यहाँ पर बात करें एडजेक्टिव के तीन डिग्री होते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोग के साथ शेयर किया था, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव और तीसरा होता है सुपरलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात किया आपका पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो हम लोग वेरी का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, वेरी का। और क्यों करते हैं भाई, ये क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है, क्वालिफाई का मतलब उसका गुण बताने के लिए, क्या किया जाता है, गुण बताने के लिए। मच का बात करें तो मच का भी मतलब होता है बहुत, लेकिन इसका भी यूज होगा तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ होगा। किसके साथ, कंपैरेटिव। जैसे मैंने बोला पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव का मतलब क्या, ये दो लोगों के बीच में तुलना करेगा तो वहां पे हम लोग मच लगाएंगे, ठीक है, मच बेटर, ठीक है, मच फास्टर, ऐसे करके। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है आपको, एग्जाम्पल से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज वेरी गुड। देखिए वेरी क्या लगा, ये गुड क्या है, पीडी है, पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री है ना। गुड का होता है बेटर और फिर होता है बेस्ट, बेटर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। तो जब मैंने गुड का यूज किया तो इसके आगे क्या लगा दिया, वेरी, दिस इज वेरी गुड। ये वेरी क्या है, एडवर्ब है, क्या है एडवर्ब, कौन है एडवर्ब इसमें, जल्दी बताइए, वेरी क्या है एडवर्ब, वेरी। एडजेक्टिव कौन है, गुड। सेकंडली है ही फील्स वेरी लेजी, लेजी का मतलब होता है आलसी, क्या होता है, आलसी। और ये वेरी लगा दी, ये बहुत ही जैसे आलसी महसूस कर रहा है, ही फील्स वेरी आलसी, ठीक है ना, लेजी। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे वेरी लगा तो ये कैसा डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के साथ हमेशा हम लोग वेरी लगाएंगे। यहाँ पे एग्जामिनर क्या कर देगा ना, एग्जामिनर ब्लंडर कर देगा, यहाँ पे लेजियर कर देगा, ही फील्स वेरी लेजियर। कभी लगेगा क्या, कभी नहीं लगेगा, क्योंकि ये बात कर रहा है कि वेरी हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ आएगा। अगर ये आ रहा है तो एग्जामिनर आपको गलती दे रहा है, ये लेजियर लेके नहीं आ रहा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा इस बात को। नेक्स्ट आते हैं दिस इज मच बेटर, मैंने बोला बेटर, गुड का क्या आया, बेटर, ये क्या है, सी डी है, यानी कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ दिस इज वेरी बेटर कभी नहीं लगेगा, वेरी देख वेरी लेके आएगा तो गलत हो जाएगा, हम लोग वहाँ पे मच बनाएंगे। ये ए बी सी डी ई करके इरर करके देता है एग्जामिनर, तो आप समझ जाइएगा कि जब ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ होगा तो यहाँ मच लेके आएगा, कोई दिक्कत बोलिए नहीं। फास्टर, ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, पता है ना, तो इसके साथ क्या लगा दिया, मच, ही इज गेटिंग मच फास्टर, ठीक है ना, वो धीरे धीरे तेज होते जा रहा है, हुआ ये धीरे धीरे तेज होते जा रहे हैं, तो जाहिर सा तो मच फास्टर, तो ये उससे तेज होते जा रहे हैं, कंपेरेटिव कर रहा है दूसरे के बीच में, यहाँ पे ये बात किया। सेकंड पॉइंट में वेरी का यूज अगर देखा जाए प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि वी फोर होता है, क्या होता है, वी फोर। मैंने जस्ट रिसेंट में ही आपका भाव फॉर्म पढ़ाया था, वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर, वी फाइव, इसका वीडियो भी आ गया है, अगर जो नहीं देखे हैं तो इसके वीडियो को देख लीजिएगा, भाव फॉर्म पार्ट वन पार्ट टू करके आया है। तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो क्वालिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा ना आईएनजी, तो हम लोग यहाँ वेरी लगाएंगे, ना कि मच लगाएंगे, मच लगाएंगे तो वो गलती हो जाएगा और बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, बुआ कहा जाएगा ब्लंडर। आइए ना, यहाँ पे फिर मैंने सेकेंड किया है कि लेकिन मच, किंतु मच का यूज पास्ट पार्टिसिपल के साथ करते हैं, यानी भी थ्री, पास्ट पार्टिसिपल यानी भी थ्री, यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म, ईडी फॉर्म, ईएन फॉर्म, हम लोग बोलते हैं ना डी ई डी ईएन और टी लेके आता है, तो ये वर्ब का फॉर्म हो गया, तो ये भी क्वालिफाई करने के लिए दिखाता है कि इसको एडजेक्टिव को, क्योंकि मैंने एडवर्ब सेक्शन में आपको पढ़ाया था कि एडवर्ब वैसे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बतलाए, विशेषण की विशेषता बतलाए और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाए, यानी वर्ब को भी क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करे और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करे। इसका भी वीडियो आ चुका है, अगर जो नहीं देखे तो पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो देख लीजिएगा, या पार्ट थर्ड में आएगा। नेक्स्ट आते हैं
इसके एग्जांपल्स रिकॉर्ड किया जाए, ध्यान दीजिएगा, द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये इंटरेस्टिंग है क्या? बिफोर है, और बिफोर के साथ मैंने क्या इंपॉर्टेंट रूल बताया आपको कि वेरी लगेगा ही लगेगा। अगर यहाँ पे मच लगा दिया तो ये ब्लंडर कर दिया। क्या कर दिया? ब्लंडर। आपको एरर है। अब एग्जामिनर कैसे देगा? देखिए, ए बी सी और यहाँ पे डी करके नो एरर देगा, तो आप कहाँ पे मारिएगा? तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ वेरी ये क्या है, नो एरर होगा ना, डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब आंसर तो सही है, ठीक है ना, तो नो एरर में आ जाएगा। ऐसे ही एग्जामिनर में स्पॉटिंग एरर करके देता है कंपैरेटिव एग्जाम में। कंपैरेटिव एग्जाम में कैसे देगा कि हाउ यू फाइंड आउट अ स्पॉटिंग एरर, तो ये भी चीज आगे जाके सिखाया जाएगा। जब सब सेक्शन ले लेंगे तो आपको स्पॉटिंग एरर भी हम टॉपिक में देंगे सिखाने के लिए, वो आएगा। द बुक इज वेरी अम्यूजिंग। अम्यूजिंग का मतलब होता है मनोरंजनमय, जो बहुत ही अच्छा लगे, आपको मनोरंजित करे। ये बुक जो है बहुत ही अम्यूजिंग है, यानी बहुत ही मनोरंजनमय है, मनोरंजित कर रहा है। आई वॉज मच सरप्राइज। देखिए यहाँ पे V3 लगा दिया, और V3 के साथ मैंने क्या बताया? मच लगेगा। V3 के साथ मच लगेगा। अमेज्ड, V3 के साथ मच लगेगा। कोई दिक्कत क्या? नहीं। तो वह एक देता है आपका, वहां वेरी और मच में तो हम लोग एडवर्ब पढ़ लिए। एक आपका देता है टू और वेरी। क्या देता है? टू। इन दोनों का मतलब, टू का मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है, कोई भी मतलब बियॉन्ड द लिमिट अगर एक तरीके से बात कर जाए, और वेरी का भी मतलब होता है अत्यधिक या बहुत, ठीक है। मैंने सबसे पहले टू को लिया सेक्शन वन में। टू सीमा से अधिक बात करता है, यानी बियॉन्ड द लिमिट। ये एक एडजेक्टिव के साथ आएगा तथा एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की विशेषता बतलाएगा। और वेरी जो होता है बहुत ऊंची मात्रा में, जैसे बहुत हो गया तो बहुत ऊंची मात्रा में कोई भी, और मात्रा का मतलब होता है क्वांटिटी। क्या होता है? क्वांटिटी, यानी उसकी मात्रा को शो करे, भी इसकी विशेषता बतलाए। यानी टू और वेरी जो होता है वो एडजेक्टिव की विशेषता और एडवर्ब की विशेषता, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, इसमें देखिएगा, बोले ही इज टू पुअर, तो पुअर तो एडजेक्टिव है जी, और ये टू लगा दिया, बहुत गरीब है, ठीक है ना, वो बहुत ही ज्यादा गरीब है। टू पुअर यानी बहुत ही ज्यादा गरीब, मतलब उसको कपड़े लगते पहनने के भी पैसे अगर नहीं होंगे तो हम लोग वहां पर ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज टू पुअर इसका मतलब वो बहुत ज्यादा गरीब है, अत्यधिक गरीब है। समझ में आया कैसे? ये लगा है, सी इज टू ग्लैड टूडे, यानी वो बहुत खुश है यार। ए बाबा, वो बहुत खुश है यार, कुछ हुआ होगा? खुशी खुशी। सी इज टू ग्लैड टूडे, वो आज बहुत खुश है। मिल के पता नहीं, मिल के जुल के होता हमको नहीं पता है, अब मिल के जुल के बताएगी तब ना हमको खुश है। आइए, He is very kind, यानी वो बहुत दयालु है। क्या है? बहुत दयालु है। और she came very quickly, वो बहुत जल्दी आया, ठीक है ना, she came very quickly, वो बहुत जल्दी, quickly मतलब बहुत जल्दी बाजी से। तो ये कुछ जो सेक्शन है आपका, जो टू दिखाया और वेरी दिखाया, यानी टू मतलब beyond the limit, यानी अधिक अत्यधिक अत्यधिक से ज्यादा, और very kind का मतलब बहुत ही, ठीक है ना, बहुत ही, दोनों का मतलब एक सेंस है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि टू सीमा से अधिक बात करता है, अगर कोई बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग उसमें लगा देंगे, वर्ड को एम्फसाइज करता है, और ये आपका एडवर्ब है। एडवर्ब आज सेक्शन खत्म हो गया, एडवर्ब में अब कुछ बचा नहीं है, अब एडवर्ब का एक्सरसाइज चलेगा आपका, हो सकेगा तो कल मैं एक्सरसाइज देखिए एडवर्ब खत्म कर दूंगा। एक्सरसाइज यानी इसके कुछ होमवर्क या फिर क्लास वर्क में आएंगे, जो मैं देख लूंगा कि आपका कितना लेवल है, एडवर्ब कितने अच्छे से आपको समझे। और नाउ टुडे स्पोकन क्या है? ही इज अंडर डेब्ट। ही इज अंडर डेब्ट का मतलब वो कर्ज में है। अगर किसी के बारे में भी बात करना है, जैसे भैया, चाचा, या फिर कोई पड़ोसी, या फिर कोई दोस्त, अगर आपका कर्ज में डूबा हुआ है, तो आप यहाँ पे ये बात कर सकते हैं, ही इज अंडर डेब्ट, या सुरेश इज अंडर डेब्ट, ठीक है ना, सुरेश कर्ज में है, सुरेश कर्ज में है। ऐसे करके हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट, अगर किसी दुकान पे जा रहे हैं किताब खरीदने के लिए, बड़ा फास्ट बोलते हैं, नहीं यार, बड़ा फास्ट बोलते हैं सर बउआ, गला धर लेता है, बोलना पड़ता है एकदम, हालत पस्त देता है एकदम, सारे 7 बजे से उठता चोई 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 कर दे रहा है, समझे में नहीं आता है क्या करे हम, अब रतवा में चोई चोई नहीं करते हैं, रमेश ओपन अ बिजनेस एंड ही वर इन, मतलब ही वाज इन डेब्ट, वह कर्ज में था,
वह बिजनेस खोला हुआ कर्ज में था, ठीक है, किसी से पैसे जमाना बहुत तरीके का बात हो जाएगा। हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट, इस किताब का कितना नाम है, माई बिजनेस इज फ्लरिशिंग दिस डेज, यानी इन दिनों मेरा व्यापार फलफूल रहा है या बहुत अच्छा जम रहा है, चल रहा है। ही डील्स इन शुगर, वह चीनी में व्यापार करता है, वह चीनी का व्यापार करता है। कोई भी अपना नाम सकता है, अगर क्लोथिस में, अगर कोई गारमेंट्स में करता है, ठीक है ना, तो हम लोग टेक्सटाइल में करता है तो उसके बारे में बात करेंगे। ही डील्स इन टेक्सटाइल, ही डील्स इन द गारमेंट्स, ही डील्स इन वेजिटेबल, ही डील्स इन फ्रूट्स, ही डील्स इन गोल्ड, ठीक है ना, सोने सोने का व्यापारी है, ही डील्स इन गोल्ड, ये सब अलग अलग तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है एंड द लास्ट वन, हाउ मच इज द बिल प्लीज। तो अगर जाएंगे कहीं घूमे फिरे और ठीक है रेस्टोरेंट में कहीं पे भी या कहीं कुछ सामान भी लिए तो बिल देता है ना, तो बिल जब देगा तो हम लोग ये वाला बात करेंगे। हाउ मच इज दिस बिल, बिल का मतलब कितना, ठीक है ना, कितने का बिल है कृपया बताइए, ठीक है ना, कितने का बिल है कृपया बताइए। मैंने क्या लिखवाया, व्हाट मीनिंग क्या लिखवाया जल्दी बताइए। सबसे पहले वरीज मतलब चिंता, ठीक है, डब्लू डब्लर आई एस वरीज। नेक्स्ट बोलिए, स्टैचू का मतलब होता है मूर्ति, इम्प्रेस्ड का मतलब प्रभावित किया। अगला बोलिए, डिवोशन का मतलब भक्ति भावना निष्ठा। अगला बोलिए, इंश्योर्ड का मतलब सुनिश्चित करना, सुनिश्चित या इंश्योर्ड, SURED। आज का क्लास यहीं पे, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।